हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एग्जाम इन्फोटेक में। और फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ एसएससी सीजीएल 2017 में जो हुआ था उसके फ्रेंड्स जीके के कुछ क्वेश्चन। फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन है ये। मैं आपको बता दूँ कि एसएससी एमटीएस में सीजीएल के बहुत सारे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर्स के भी और जीके के भी। ओके फ्रेंड्स, इसलिए मैं पूरी सीरीज लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, जो आज हम सेट देखेंगे ये है 5 अगस्त 2017 पहली शिफ्ट का सीजीएल का पेपर। ओके फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं हम जल्दी से कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पर फ्रेंड्स, उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मैं ये पूरी सीरीज लेकर आऊँगा आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है रिवर्स रेपो दर। ओके, अगले देखते हैं। फिर है, आपूर्ति वर्ग के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन। और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता ही है, 35 वर्ष होनी चाहिए। और देख लेते हैं। कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? तो ये फ्रेंड्स है अधिकार प्रच्छा। ओके फ्रेंड्स, और देख लेते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिंदुसार था ये। और देख लेते हैं, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो फ्रेंड्स, ये सैयद वंश शासन में आता है। अगला है, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो ये प्लूटो को माना जाता है। और देख लेते हैं, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स अपसादी चट्टान। और देख लेते हैं, गेहूं एक है, तो फ्रेंड्स गेहूं इन ऑप्शनों में से क्या है? तो ये है औषधि। और देख लेते हैं, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? तो फ्रेंड्स, ये सरीसृप होते हैं, सभी जानते हैं। और देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये है हमारे ऑप्शन, तो इसका सही आंसर है तनाव मापी। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स, ये न्यूटन है। और देख लेते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा का परिचालक है? तो फ्रेंड्स, ये शीशा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? तो ये रोम। अगला है, जंग लगना है, इसको ऑप्शन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन। और देख लेते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सल्फेट आयन। और देख लेते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है? ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है क्लोरीन ऑक्साइड। फिर अगला है, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया? तो फ्रेंड्स, ये इसका नाम बदलकर योजना आयोग के उस पर किया गया। पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है टी एच मेमन।
ये फ्रेंड्स अब कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं। एमटीएस में यहाँ से आ रहा है, निम्नलिखित में से किस मैदान में पहली बार 9 नवंबर 2016 को भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट मैच का आयोजन किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट गुजरात में। और फ्रेंड्स ये जोड़ी मिलाने वाला क्वेश्चन है, तो इसका डायरेक्ट हम आंसर ही देख लेते हैं। इसका आंसर फ्रेंड ये है, आप चाहे तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, मैं सेट कर देता हूँ। ये है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन। और ये रहा इसका आंसर, पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का बी और चौथे का डी। ओके फ्रेंड्स अगला देख लेते हैं। किस एकमात्र भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 3 बार पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एमटीएस में आ सकता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है विराट कोहली। और अगला देख लेते हैं क्वेश्चन हम, द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है पॉल बेटी। फिर है, किस देश को दिसंबर 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे प्रमुख रक्षा सहयोगी घोषित किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है इंडिया। और फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ 2016 में अपना 7वां द्विदेशीय संस्करण एकुबेरिन अभ्यास कादुदूम में किया था? तो फ्रेंड्स ये मालदीप के साथ किया था। ओके फ्रेंड्स ये थे हमारे वो 25 क्वेश्चन जो CGL 2017 में 5 अगस्त को पहली शिफ्ट में पूछे गए थे, जो कि MTS और IB जो आने वाला पेपर है 15 अक्टूबर को, उन दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ओके फ्रेंड्स तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछने का ये रहता है, जो पहली उसमें पूछा गया है पेपरों में, वही क्वेश्चन आगे के पेपर में पूछा जाता है, रिपीटेशन फ्रेंड्स लगातार होता ही रहता है। ओके फ्रेंड्स तो अब इसे देख लीजिएगा। तो फिर इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।